इंडियन प्रीमियर लीग IPL 14 के दूसरे चरण की शुरुआत 19 सितंबर से UAE में हो रही है। इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स CSK के कई खिलाड़ी दुबई पहुंच चुके हैं। क्वारंटाइन अवधि पूरा होने के बाद धोनी एंड कंपनी ने नेट अभ्यास शुरू कर दिया है। इसी बीच CSK के नेट अभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। CSK ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में कप्तान धोनी 5 लंबे सिक्स जड़ रहे हैं, जिसके चलते बॉल झाड़ियों में चली जाती है। इसके बाद धोनी एंड टीम के बाकी सदस्य मिलकर गेंद को ढूंढकर लाते हैं। गौरतलब है कि बायो बबल में कोरोना के मामले आने के बाद IPL 14 को स्थगित कर दिया गया था। 4 मई को लीग के स्थगित के समय कुल 29 मैच हुए थे। अब टूर्नामेंट के बाकी मैच UAE में 3 स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी और 15 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अंक तालिका में फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स DC की टीम टॉप पर है। दिल्ली ने अब तक 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं। वहीं CSK दूसरे और विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB तीसरे नंबर पर है। CSK और RCB दोनों ही टीमों ने अब तक 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि 2 में उन्हें हार मिली है। MS धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग 3 बार IPL का खिताब जीत चुकी है, लेकिन पिछला IPL सीजन चेन्नई के लिए बहुत खराब रहा था। पिछले IPL में CSK 14 में से मात्र 6 मैच ही जीत पाई थी और अंक तालिका में 7वें पायदान पर थी। ऐसे में IPL 14 को जीतकर धोनी अपने CSK फैंस को यादगार तोहफा देना चाहेंगे। धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। भारत के लिए 350 वनडे, 98 T20 इंटरनेशनल और 90 टेस्ट मैच खेलकर 17,266 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 108 अर्धशतक और 16 शतक लगाए। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया 3 ICC खिताब जीतने में सफल रही थी। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएँ, ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे।